आप कितना साल है इधर बलदिया में? मेरा 20 साल हो गया। मुल्लुक से डायरेक्ट बलदिया में आया? जी। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आशा करी सबाई भलो आसें। तो आज के कथा बोलबो उनार साथे, एकटा प्रवासी भाई आसतेछे, देखते पाच्छेन रोडे विभिन्न धरनेर कागज बा विभिन्न धरनेर या परिष्कार करतेछे। तो आज के कथा बोलबो उनार साथे, उनि किभाबे आसछेन, कत सैलारी, ठीक आछे? एक टाका फास गिया था बोल दिया था क्या बताया? ओ ऐसे दवाई बोल दिया, नसीम ने किया, लपिया किया ना फारी डर डर। हां, 600 रुपया खर्चा हुआ। अभी सही हुआ? अभी आराम है। मैं तुमको बताया, हुकूमत का उधर किया ना? हुकूमत का उधर किया ना? हुकूमत में नहीं किया, प्राइवेट में। प्राइवेट में किया? हुकूमत में जाएगा ये अथी कार्ड है ना, इसका रिन्यू करा के तब जाएगा। वो तो 25 साल मानता है बस। तो 25 साल जाके उधर रिन्यू कराएगा ना? 125 लेता है अलतिया में। अच्छा, इधर आए। और एक बात है, कार रेन्यू करने के लिए तुमको बैंक कार्ड भी चाहिए। अब कितना साल है इधर बोला दिया में? मेरा 20 साल हो गया। दो पहले कैसा वीज़ा में आया? हाँ, वीज़ा में आया। मतलब पहले मैम तो जैसे कि दूसरा वीज़ा में आया, दूसरा जिस वीज़ा में डायरेक्ट बोला दिया के वीज़ा नहीं है ना? डायरेक्ट है ना। मुल्क से? हाँ, मुल्क से डायरेक्ट। मुल्क से डायरेक्ट बोला दिया में आया? जी। 2002 में आया। अबे उसी टाइम कितना सैलरी देता था? उस 800। अभी 2600। पार्ट टाइम नहीं है? पार्ट टाइम सनिया में किधर मिलेगा? हाँ, सनिया में किधर मिलेगा? रूम सनिया में है ना आपका, यह है ना बोनस सर्विसिंग, यह है। हाँ, 2 साल में देते हैं बोनस। दूसरा बात, अभी 20 साल 25 साल बाद आप जब काम, आपका नौकरी खलास हो जाएगा, एक टाइम का जो पैसा मिलता है ना, वो मिलेगा ना? हाँ, 10 साल की मिलेगा। 10 साल का मिलेगा? देखो, वो 20 साल 30 साल हो गया, वो देगा तो मज़ा रहेगा। मतलब नहीं, कितना होगा मतलब 10 साल के देगा। अच्छा, ड्राइवर लोगों का सैलरी कितना है बलदिया में? 3000। 3000 उसको पार्ट टाइम है ना? नहीं, पार्ट टाइम कुछ है। तो अभी बलदिया में कैसे आदमी फा काटता है ड्राइवर लोग? पेपर जमा की जगह जाता है, पेपर यानी डॉक्यूमेंट, सीवी कितना जमा करते हैं? ठीक है भाई, देखो अभी कचरा फिर आ गया, किधर से आ गया ये? ये रोड में धुए है गाड़ी में। अभी इधर था तो इधर डाल दिया, प्लाट लग के हम देखा है ना। अच्छा, गाड़ी का अंदर था फिर ऐसे डाल दिया। या इसका ऑफिस किधर है आपका बलदिया का? मामूला आदमी लोग जब फेफा जमा करते हैं ना, इधर से भी फा करते हैं ना, तो अभी पूरा आदमी के लिए है 3 महीना के लिए, गेम के लिए। अच्छा, अति वीजा के है सप्लाई कंपनी लिया, फिर 3 महीना के बाद फिर वापस हो जाए। अच्छा, लोग के काम करने दो जैसे। हाँ, ये बात है। हाँ, बलदियाते काज करें, ठीक है, बलदियाते কাজ করেন, 2200 স্যালারি পায়, ঠিক আছে। যেমন আমাদের সিটি কর্পোরেশন আছে ওই রকম আর কি, 2200 স্যালারি, তাদের বোনাস থাকে, তারপরে মানে তাদের, আমাদের দেশে সরকারি চাকরি যখন রিটায়ার্ড হয়ে যায় একটা এককালীন একটা অ্যামাউন্ট পায়, তারাও পায়, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে বলদিয়াতে চাকরি করার একটা সুযোগ সুবিধা, ঠিক আছে। তো এই উনি বলতেছেন যে উনি দেশ থেকে আসছেন, আজ থেকে 22 বছর আগে, 800 রিয়ালে, ঠিক আছে, ওই সময় 800 রিয়াল দাম ছিল, এখন 2200 রিয়াল। তো সবচেয়ে বেশি এসে উনি শুধু একদম লেবার, এই কারণে। আর যারা এর উপরে আছে এদের স্যালারি কিন্তু অনেক বেশি, ঠিক আছে। ড্রাইভার যারা আছে তাদের স্যালারিও প্রায় 100,000 টাকা এরকম। পার্ট টাইম বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এইসবগুলোতে থাকে, এটা হচ্ছে সুবিধা এই বলদিয়াতে কাজ করার। তো আগেও আমার পরিচিত একজন লোক ছিল, এই কারণে আমি বলদিয়া সম্পর্কে কিছুটা আমার আইডিয়া আছে। তো আসলে এগুলো চাকরি পাওয়ার নসিবের ব্যাপার, তো নিজস্ব লোক লাগে, এগুলো অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে, নিজস্ব লোক লাগে, বা মনে করেন যে এগুলা চাকরি পেতে হলে আপনাকে ফ্রি ভিসা আসতে হবে,
ঠিক আছে, এটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, মানে বিভিন্ন সিস্টেম আছে। ঠিক আছে, আপনি কন্ট্রাক্ট বিষয় হলে তো এটা পারবেন না, কারণ হচ্ছে কন্ট্রাক্ট বিষয় আসার পরে কেউ আপনাকে রিলিজ দিবে না, হাজারের ভিতরে হয়তো একজনের রিলিজ দিবে, তখন যেতে পারবেন। ঠিক আছে, এই আর কি। তো ভালো থাকবেন সবাই, আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল, আল্লাহ হাফেজ।